क्यों मेरे फॉलोअर्स कम है, मैं जब भी पोस्ट करता हूँ उस पर लाइक्स कम क्यों आते हैं, मेरा हैशटैग ट्रेंड ही नहीं करता क्यों, पता नहीं क्यों। मैं तो रोज पोस्ट करता हूँ, हैशटैग भी डालता हूँ ट्रेंडिंग, फिर क्यों ऐसा होता है। ओके, सो वेलकम बैक टू माई वीडियो गाइस। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना हैशटैग ट्रेंड कर सकते हैं ताकि हमारे पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स आए और इवेंचुअली फॉलोअर्स भी आए। ओके, सो आप जनरली सबको पता है कि हैशटैग्स देना जरूरी है, पर हम लोग काफी बार गलतियां कर देते हैं हैशटैग देते समय, जिसकी वजह से हमारा हैशटैग रैंक नहीं करता। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे हैशटैग दे अपने पोस्ट पे ताकि हमारा पोस्ट हमें बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स ला के दे। ओके, सो पहले आपको मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि मेरे हैशटैग, मैंने जो हैशटैग दिया उससे मेरा कितना रीच आया हैशटैग से। ओके, सो गाइस अभी मैं आपको अपने रीच का प्रूफ दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने ये देखिए इंस्टाग्राम ओपन किया, नॉर्मल पोस्ट है, एकदम बेसिक पोस्ट है, फिर भी उस पे रीच अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत ही मतलब एकदम सिंपल पोस्ट है, फिर भी रीच अच्छा। देखो इस फोटो में कुछ खास नहीं है, बस एक सेल्फी है। ओके, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, बस एक सेल्फी है और फोटो, इसके बारे में बस एक छोटा सा मैंने ये लिखा गया है कैप्शन, और बस सेल्फी से रिलेटेड हैशटैग है क्योंकि ये एक सेल्फी है। ओके, और इसका रीच कितना हैशटैग से अभी देखो आप, 2900 एक पोस्ट का, सिंपल एक सेल्फी का रीच। ओके, 2900 लगभग सभी पोस्ट पे ऐसे ही रीच है। जैसे इसमें देखो एक ग्रुप, मतलब ऐसे ही फोटो लिया गया है, ग्रुप है, एक हैशटैग क्या है, फ्रेंडशिप डे के दिन लिया गया था। ओके, सो हैशटैग फ्रेंडशिप से रिलेटेड है और नॉर्मल फोटो से रिलेटेड है, और इसका रीच, फोटो का क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, एवरेज क्वालिटी है, पर रीच आप देखो 5441। ओके, सो रीच काफी अच्छा है गाइस। सिर्फ यही नहीं, और इस फोटो का तो और भी ज्यादा रीच है, पर फोटो में कुछ नहीं, आप देखो फोटो में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, फोटो ऐसी कुछ भी है, पर फिर भी आप इसका देखो इनसाइड, देखो आप हैशटैग से 7067, और ये कैसे हुआ, आखिर कैसे हुआ, फोटो में तो कुछ खास नहीं है, फोटो का क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहो। सो गाइज, आपको अपना पिक्चर रील या कुछ भी आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, अगर आप उसको रैंक कराना चाहते हो तो दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली चीज कि आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक करके रखो आप अपना अकाउंट। और दूसरी बात, टाइमिंग ऑफ योर पोस्ट, आप किस समय पोस्ट कर रहे हो, टाइमिंग। ओके, आप ये चाहो आपका फॉलोअर्स किस समय एक्टिव है, अगर ये जानना है आपको तो आप अपने मेन्यू सेक्शन में जाके, इनसाइट में जाके ऑडियंस क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा किस समय आपका फॉलोअर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, और जनरली ये 6 बजे से लेके 9 बजे, शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक रहते हैं और ऑडियंस आपके एक्टिव। ओके, ऑलमोस्ट सभी के ऑडियंस, क्योंकि इसी समय लोग ज्यादा फ्री रहते हैं। ओके, सो आपको इसी समय पोस्ट करना है, इधर 6 से लेके 9 बजे तक के बीच में ही पोस्ट करना है। ओके, और प्राइवेट नहीं होना चाहिए आपका अकाउंट, पब्लिक होना चाहिए। तो अभी जैसा कि मैंने दिखाया अपने इनसाइट हैशटैग से कितना रीच हुआ, तो ये मैंने कैसे किया, कैसे हुआ ये। ओके, कैसे हैशटैग्स मैं यूज करता हूँ अपने पोस्ट में। पहली चीज कि जैसा भी मेरा पोस्ट है, अगर वो सेल्फी है तो सेल्फी से रिलेटेड हैशटैग्स होगा। ओके, और एक कैप्शन भी होगा, सेल्फी के बारे में कुछ लिखूंगा मैं जरूर, कैप्शन छोटा ही हो पर जरूर लिखना है। ओके, और कैसे हैशटैग्स देने हैं, तो रूल एक ही रूल है उसका, एक ही रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है कि हाई वॉल्यूम। ओके, हाई वॉल्यूम पोस्ट, जिस हैशटैग्स में पोस्ट का वॉल्यूम ज्यादा है मैं वैसे हैशटैग यूज करता हूँ। अगर आप कोई हैशटैग पोस्ट करते समय अगर आप कोई हैशटैग सर्च करते हो तो हैशटैग्स में नीचे जो भी हैशटैग दिखा रहा है उनमें से सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट होंगे, जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा, मैं वैसे हैशटैग्स यूज करता हूँ, जनरली 7 डिजिट के ऊपर, 7 डिजिट नंबर्स के ऊपर। ओके, एंड गाइज, मैक्सिमम हैशटैग यूज करो, 30 हैशटैग यूज करने का ऑप्शन रहता है, आप 30 के 30 यूज करो, और 20 पीपल को टैग करने का ऑप्शन भी रहता है, तो 20 पीपल को टैग करो। ओके, वो 20 रीच तो आपके एनी हो आएंगे, वो जरूर खोल के देखेगा, उसके टाइमलाइन में दिखाएगा, तो ओके 20 तो आएंगे, 20 को कर सकते हो आप टैग, 20 को टैग करो। ओके, और सोने पे सुहागा क्या कि पोस्ट करने के बाद आप पर्सनली शेयर कर दो, आप अपने फॉलोअर्स में शेयर कर दो, कैसे, पर्सनली मैसेज में शेयर कर दो, और अगर आपके फॉलोअर्स आपके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम आपके पोस्ट को प्रमोट करेगा, क्योंकि एंगेजमेंट अच्छा मिल रहा है आपके फॉलोअर्स से। ओके, सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल को नया देख रहे हैं तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर
आपको अच्छी तरह से अपना वीडियो रैंक कराना है या अपने पोस्ट रैंक कराना है, तो अगर आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे जो अपने वीडियो में बताते हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ, ये ऐप डाउनलोड करो, वहां से हैशटैग कॉपी करो और जाके पेस्ट करो, सिंपल, और आपका या पोस्ट रैंक कर जाएगा। और ऐसा नहीं होता गाइज, मैंने भी करके देखा है। ओके, सो थोड़ा टाइम में लगेगा, थोड़ा टाइम दोगे आप पोस्ट करते समय, पर आपका पोस्ट रैंक करेगा जो कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स और लाइक्स लाके देंगे। पर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा 2 से 5 मिनट लगेगा ओके ये करने में, पर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपके लिए मैं ऐसे एक वेबसाइट ही बताऊंगा। उस वेबसाइट पे जाओ, आप कंटेंट किस से रिलेटेड है आप वो मारो, उससे रिलेटेड वो लोग हैशटैग दिखा देंगे, आप डायरेक्ट वो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो वो वेबसाइट का नाम है allhashtag.com, ओके allhashtag.com, आप डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पर अगर आप वहां से कॉपी पेस्ट करते हो और रैंक नहीं किया तो फिर कमेंट करके मुझे मत बोलना, ओके। उसके बाद अच्छा होगा कि आप थोड़ा टाइम दो पोस्ट करते समय, पर आपका रैंक करेगा, ओके। और शेयर कर सकते हो पर्सनली चैट्स में, तो शेयर करो। और एल्गोरिदम समझना है तो आप मेरा एल्गोरिदम वाला वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने बनाया है, ओके। और अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, ओके। सो गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, ओके। सो बाय बाय।